शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार 12 मई को सतना जिले की तहसील मुख्यालय रामनगर पहुंचे। यहां आयोजित मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के हितग्राही महिलाओं के विशाल सम्मेलन को संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत हितग्राहियों को पट्टे भी बांटे गए। यही विधानसभा अमरपाटन सहित जिले के विभिन्न करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन कर जिले को सौगात दी। सीएम ने कांग्रेस और कमलनाथ पर तीखे प्रहार भी किए। वहीं कहा कि कमलनाथ अब नकलनाथ हो गए और प्रदेश की जनता को ठगने का काम शुरू कर ठगनाथ बन रहे हैं। सतना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे में नवाचार देखने को मिला। रामनगर के हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए मार्ग में लाडली बहनों ने स्कूटी दस्ते द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्काउटिंग की गई। कार्यक्रम स्थल पहुंच कर सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के लिए 287,86,78,000 रुपए की लागत से 144 विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 64,62,87,000 रुपए लागत के 68 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 222,23,91,000 रुपए लागत के 76 कार्यों का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया जाएगा। रामनगर में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत सतना जिले के 9,100 से अधिक हितग्राहियों के तैयार हो चुके भू अधिकार पत्रों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उपस्थित हजारों लाडली बहनों का पुष्प बरसा कर स्वागत किया और सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा लाडली बहनों के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की पंजीकृत हितग्राही बहनों द्वारा धन्यवाद पाती भी लिखी गई। कार्यक्रम के दौरान जिले की लगभग 10,000 बहनों द्वारा लिखी गई धन्यवाद पत्रिका मुख्यमंत्री को भेंट की गई। आपको बता दें कि जिले में 3,75,000 लाडली बहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को संबोधित करते हुए महिलाओं को बराबरी का हक और सम्मान दिलाने का वादा किया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। अभी कह रहे थे हमारे सांसद जी, विधायक जी, कई लोग घबरा गए कांग्रेस के। अब वो लोग जनता को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने कर्जा माफ का कहा था, कर्जा माफ नहीं किया। कांग्रेस ने समूह का कर्जा माफ करने का कहा था, वो माफ नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, वो नहीं दिया। अरे और तो और, मैं भारिया, बेगा, सहरिया, इन बहनों के खाते में 1,000 रुपया डालता था, वो भी बंद कर दिए। वो ठगनाथ अब झूठे फार्म भरवा रहे हैं, उनके चक्कर में मत आना। भैया तो तुम्हारा शिवराज ही है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। एक बात मेरी बहनों सुनो, सरकार ने बेटी और बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान चलाया है। केंद्र की कई योजनाएं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और मध्य प्रदेश में भी बहुत योजनाबद्ध ढंग से लाडली लक्ष्मी बहना योजना, लाडली लक्ष्मी बेटी योजना और लाडली लक्ष्मी के बाद से 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों को दिया ताकि चुन चुन के आए और महिला सशक्तिकरण हो। एक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बहनों के नाम पे, बेटियों के नाम पे जमीन खरीदेंगे तो स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्री शुल्क केवल 1% लगता है, भाई के नाम पे खरीदते तो ज़्यादा लगता है। तो कई संपत्तियां बहनों के नाम पे भी खरीदी जा रही हैं। पुलिस की भर्ती में 30% रिजर्वेशन, जिसके कारण पुलिस में भर्ती हो रही है बेटियाँ। शिक्षक जैसी भर्ती में 50% रिजर्वेशन, तो वहाँ भी बेटियाँ बड़ी संख्या में जा रही है। और अब ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये बहनों की ज़िंदगी बदल के रख देगी। आप देखिए, इसके पहले भी कई योजना बनी लेकिन श्री कमलनाथ जी अब नकलनाथ बन गए। और आजकल वो नकल करने के प्रयास कर रहे हैं। हमने पहले ये योजना बेगा, भारिया, सहरिया बहनों के लिए बनाई थी। 1,000 रुपया हर, आपको ध्यान होगा, हर महीने डालते थे। 2017 से कांग्रेस की सरकार आई, उन्हें बंद कर दी।
बेटियों की शादी के पैसे नहीं दिए, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया, समूह का कर्जा माफ़ नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, लेकिन अब वो फिर से ढोंग कर रहे हैं, ठगनाथ फिर से जनता को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये कोई वोट बैंक की राजनीति के तहत नहीं कर रहे, बहनों और बेटों की ज़िंदगी बदलना है, गरीबों की ज़िंदगी बदलना, इसलिए 9000 से ज़्यादा पट्टे आज यहाँ बांटे गए। जिन गरीबों के पास अपना रहने की कोई ज़मीन नहीं है या एक परिवार में कई गरीब रह रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री वो अधिकार योजना के अंतर्गत पट्टे दिए जा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि 9000 से ज़्यादा पट्टे आज यहाँ वितरित हुए हैं, विकास के कामों का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है और यहाँ लाडली बहना सम्मेलन में आके जनता से बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। 10 जून से ये पैसा डलना शुरू हो गया। धन्यवाद, फाइनल जीतेंगे। सतना रामनगर से यूडी न्यूज के लिए आनंद सावलानी की रिपोर्ट।